आज आपको ये बता ही देता हूँ मैं कि मैंने अपने हूटर की साउंड कैसे चेंज कर रखी है, तो वीडियो पूरी देखना। ये हूटर सबसे मस्त है भाई, इस प्राइस में ये हूटर मिलना भाई बहुत बड़ी बात है। ये एम्पलीफायर आज का सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई, किसी को हूटर लगवाना है तो आहूजा नहीं, ये एम्पलीफायर लगवाओ। है दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो हूटर लवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि मेरे पे बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि भैया ये जो आपने हूटर लगा रखा है इसकी साउंड चेंज कैसे है, इसकी साउंड चेंज करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, एम्पलीफायर दूसरा लेना पड़ता है या फिर पूरा हूटर ही दूसरा लेना पड़ता है या क्या करना पड़ता है। मैंने बहुत टाइम पहले हूटर लगवाया था, कम से कम 6 महीने हो गए होंगे जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, और तब से ही मेरे पे मैसेज आ रहे थे बहुत ज्यादा इस चीज के लिए। मैंने कई लोगों को बताया भी, सारा का सारा कंसेप्ट समझाया भी, लेकिन बहुतों के लोगों के समझ में नहीं आ रही थी ये चीज कि इसकी साउंड चेंज कैसे होती है। तो मैंने सोचा कि इस पर पूरा का पूरा एक अच्छे से वीडियो बनाया जाए कि इसकी साउंड चेंज कैसे होती है, ताकि आप भी इसकी साउंड चेंज करवा सकें अगर आप चाहें तो। तो आज की वीडियो में ये कंसेप्ट मैं सारा का सारा क्लियर कर दूंगा कि इस हूटर की साउंड चेंज कैसे हो सकती है। जैसे मेरी वाली साउंड है वैसे ही आपके हूटर में साउंड वो कैसे आ सकती है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और इसके साथ ही आपको मैं टोटली जितने हूटर आते हैं सबकी साउंड चेक करवाऊंगा कि किसकी कैसी साउंड है और कौन सा हूटर कितना का पड़ता है और कौन सा आपको लगवाना चाहिए, ये सब कंसेप्ट मैं आज की वीडियो में क्लियर करूंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे लो बजट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है ये वाला हूटर, ये सबसे लो बजट का हूटर है। ये नॉर्मली आपको पुलिस की बाइक्स वगैरह में लगा हुआ मिलेगा, पुलिस की बाइक्स वगैरह में लगता है ये हूटर। तो इसकी पैकेजिंग वगैरह चेक कीजिए, पैकेजिंग तो ऐसी ही है नॉर्मल सी। तो अभी मैं इसे अंदर से खोल के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। इसे चलाने के लिए आपको किसी भी एम्पलीफायर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हूटर प्लग एंड प्ले होता है, लगाओ और चलाओ। ये देखिए इसके वायर हैं, ये सीधा वायर से कनेक्शन करो स्विच का और चलाओ। तो बाहर निकाल के दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। ये हूटर 12 वोल्ट का आता है, ये किसी भी कार बाइक्स वगैरह में लग सकता है, स्कूटी वगैरह में अगर आप लगाना चाहें तो लग सकता है, ये देखिए। तो भाई नॉर्मली ये हूटर उन लोगों के लिए होता है जो पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते और हूटर का शौक भी पूरा करना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए होता है भाई। ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता आता है, लेकिन इसकी साउंड इतनी अच्छी नहीं होती। मैं आपको अभी चेक करवाऊँगा साउंड, तो अगर ये आप लगवाना चाहे तो अपनी कार में लगवा सकते हैं या बाइक में किसी में भी। आपको इसकी अभी साउंड चेक करवाते हैं हम, ये देखिए। नॉर्मल इसका बैटरी से कनेक्शन देखिए, ये साउंड आ जाएगी, ये चेक कीजिए। तो भाई साउंड आपने सुन लिया है, इसकी साउंड होती तो बहुत तेज़ है लेकिन यार इतनी अच्छी नहीं लगती सुनने में, मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती। बाकी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लगवा सकते हैं। ये हूटर आपको लगाई समेत 1000 रुपये तक का पड़ जाता है, तो अगर आपको पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं करने और आपको टोरा भी करना है तो आप इस हूटर को लगवा सकते हैं। तो पहला हूटर ये था, अब बढ़ते हैं दूसरे हूटर की तरफ। तो भाई दूसरा आ जाता है ये अमेरिकन हूटर। अमेरिकन हूटर के नाम से ही बिकता है ये, मतलब इसका नाम ही अमेरिकन हूटर है लेकिन ये चाइनीज़, लेकिन अमेरिकन हूटर कहते हैं इसे। इसमें सारी की सारी अमेरिकन पुलिस के जो हूटर की साउंड होती है वो वाली साउंड्स है। अंदर से कुछ देखने में ये ऐसा दिखेगा, अभी आपको मैं खोल कर दिखाता हूँ इसे बॉक्स को, ये देखिए भाई। इसमें आपको 6-7 साउंड मिल जाती हैं और उसके साथ साथ आपको इसमें माइक का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। ये हूटर सस्ते में अच्छा है, लेकिन इस हूटर की कोई भी गारंटी वारंटी नहीं आती, और अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये सही भी नहीं होता। इस हूटर को मेरे हिसाब से लगवाना सही नहीं है, लेकिन अगर किसी को शौक है तो आदमी लगवा सकता है। ये देखिए इसमें आपको 7 साउंड मिल जाती है, और 7 साउंड के साथ साथ आपको इसमें माइक का ऑप्शन भी मिल जाता है, ये देखिए साइड में इसके बटन है। तो अभी आपको इसकी पैकेजिंग खोल कर दिखाता हूँ मैं अंदर से कैसा है दिखने में। अभी इसकी पन्नी हटाते हैं, ये देखिए। तो भाई दिखने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखिए काफ़ी प्रीमियम सा लुक दे रहा है, लेकिन क्या करें हैं तो चाइनीज़ ही, और चाइनीज़ माल आपको पता ही है, चला तो चांद तक और ना चला तो शाम तक। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो भाई इस हूटर को चलाने के लिए भी आपको किसी भी एम्पलीफायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी प्लग एंड प्ले हूटर है। तो अभी आपको इसकी साउंड चेक करवाते हैं और देखते हैं इसकी साउंड कैसी है। तो अभी नॉर्मली इसके बैटरी से कनेक्शन करते हैं, और बैटरी से कनेक्शन करने के बाद ये रिमोट मेरे हाथों में है, ये देखिए। आपको इसकी सारी की सारी साउंड चेक करवाऊंगा और माइक भी चेक करवाऊंगा, देखेंगे इसके क्या रिस्पॉन्स है और किस क्वालिटी का ये हूटर है। तो दोनों वायर जुड़ गए हैं, अब आपको इसे चलाकर दिखाता हूँ मैं, एक एक करके आपको सारी साउंड सुनाऊंगा।
तो भाई ये कुछ इसकी साउंड्स थी। अब आपको इसका माइक चेक करवाते हैं, माइक देखते हैं इसका किस क्वालिटी का है। चल क्यों नहीं रहा ये माइक, देखना यार ये माइक ही नहीं चल रहा, आप चला के देखो। नहीं नहीं यार चल ही नहीं रहा। तो भाई मैंने आपको इसकी साउंड चेक करवा दी है, साउंड की इसकी क्वालिटी तो काफ़ी सही है, काफ़ी लाउड है, लेकिन इसके माइक की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा गंदी है। पहले वाले हूटर से कंपेयर करें तो ये वाला बेस्ट है, लेकिन अगर वो वाला हूटर ख़राब हो जाता है तो वो रिपेयर हो जाता है, लेकिन अगर ये ख़राब होगा तो ये रिपेयर नहीं होगा। तो अगर आप इस हूटर को लगवाना चाहते हो तो ये आपको 1500 रुपये का पड़ जाता है लगाई समेत। तो बढ़ते हैं तीसरे और सबसे मेन हूटर की तरफ। तो भाई तीसरा हूटर है ये आहूजा का हूटर, ये सबसे बेस्ट हूटर है आज के टाइम में, हर किसी की कार में आपको यही मिलेगा, पुलिस की कार में, नेता की कार में या कोई भी ऑफिसर हो सबकी कार में आपको यही मिलता है आहूजा का हूटर। मेरी कार में भी भाई यही वाला लगा हुआ है, बस ये 15 वॉट का है और मेरी में लगा हुआ है 25 वॉट का जो इससे बड़ा है। पैकेजिंग देखिए इसकी कितनी प्रीमियम है, मैं आपको अभी इसे अंदर से खोल के दिखाता हूँ। तो ये है इसका भाई एम्पलीफायर, पैकिंग देखो आप इसकी कितनी ज़्यादा प्रीमियम है। तो इस हूटर की साउंड सबसे बेस्ट होती है और इसकी क्वालिटी भी सबसे बेस्ट होती है, आज के टाइम में इससे अच्छा कोई हूटर नहीं आता मार्केट में। तो इसे चलाने के लिए हमें इसे पूरा का पूरा कार में फिट करना पड़ेगा, तब जाकर ये चलेगा, नॉर्मल बैटरी से कनेक्शन करके ये नहीं चलता। तो अभी आपको इसकी साउंड चेक करवाते हैं कार में लगा के। भाई ये चेक कीजिए, ये मेरी कार में पहले से ही लगा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी कार में दूसरा एम्पलीफायर लगा हुआ है, तो भाई चेक कर लीजिए, देखिए ये मेरी कार में कोई दूसरा नहीं लगा हुआ, नॉर्मल आहूजा का लगा हुआ है जो सबकी कार में मिलता है वही लगा हुआ है। भाई पहले मैं आपको इसकी नॉर्मल साउंड सुना देता हूँ, फिर इसकी साउंड चेंज की बात करेंगे। तो अभी पहले इसे यहाँ से ऑफ कर देते हैं और सायरन की आवाज़ बिल्कुल कम कर देते हैं यहाँ से। ये जो इसका ये बीच वाला तीसरा पॉइंट है ये सायरन का है, इसे बिल्कुल कम कर देते हैं, कभी ये यहाँ पर पूरी वॉइस में बज जाए और सब मुझे गालियाँ दे अबे साले। और इसे करने के बाद इसका पहले इग्निशन ऑन करते हैं, क्योंकि मैंने इग्निशन से इसका कनेक्शन करवा रखा है, ये यहाँ से इग्निशन ऑन करते हैं और फिर इसका स्विच जो मेन स्विच है जहाँ से हूटर बजाते हैं वो ऑन करते हैं और फिर आपको मैं इसकी साउंड सुनाऊँगा। साइड में लगा हुआ है इसका स्विच, ये रहा, यहाँ से ये स्विच ऑन कर देते हैं, स्विच तो ऑन हो गया, अब आपको मैं इसकी साउंड सुनाता हूँ। तो भाई अभी इसका स्विच ऑन करते हैं यहाँ से, ऐसे ये ऑन हो गया और हल्की सी सायरन की आवाज़ बढ़ाते हैं, ये देखिए भाई। तो ये है इसकी भाई नॉर्मल फायर ब्रिगेड की आवाज़ और ये है इसकी पुलिस की आवाज़ जो नॉर्मल ओरिजिनल पुलिस की होती है। इसमें दो साउंड आते हैं, एक फायर ब्रिगेड का और एक पुलिस का, ये वाली फायर ब्रिगेड है और पहले वाली पुलिस थी, ये इसके दोनों ओरिजिनल साउंड है भाई। भाई ओरिजिनल साउंड आपने सुनी ली होगी, अब मैं आपको इसकी वो वाली साउंड सुनाता हूँ जो मैंने चेंज करवा रखी है। ये इसका यहाँ पर बटन है, इसे पुश करने पर वो वाली साउंड आती है, ये चेक कीजिए। तेज बज गया था भाई, बहुत तेज, हल्का कर देता हूँ भाई, ये इसकी आवाज़ तेज है भाई काफ़ी। तो ये है भाई वो वाली साउंड जो मैंने चेंज करवा रखी है, और अगर मैं इसे बटन को वापस से पुश करूँगा और हूटर चलाऊँगा तो इसका नॉर्मल साउंड चलेगी जो इसकी ओरिजिनल है, चेक कीजिए ये देखिए। भाई देख सकते हैं आप अभी इसकी ओरिजिनल वाली साउंड चल रही है, दोनों टोटल इसमें तीन साउंड है, दो इसकी ओरिजिनल और एक वो जो मैंने लगवा रखी है। तो भाई अब बात आती है कि आप ये साउंड कैसे लगवा सकते हैं अपने आहूजा के एम्पलीफायर में। तो भाई इसे साउंड को लगवाने के लिए आपको कोई दूसरा एम्पलीफायर लगाने की जरूरत नहीं, इसे लगवाने के लिए आपको भाई नॉर्मल एम्पलीफायर में एक साउंड चेंजिंग कार्ड लगवाना पड़ता है जो इसके अंदर लगता है। तो इस कार्ड के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, वो बोल देते हैं कि भाई इसमें कोई कार्ड वगैरह नहीं लगता, सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैंने आपको लाइव प्रूफ दे दिया है साउंड चेंजिंग कार्ड का। तो अगर आपको कोई बोले कि कोई कार्ड नहीं लगता इसमें, तो आप उसे दिखाकर ये वीडियो बोल सकते हैं कि भाई कार्ड लगता है इसमें। तो अगर आपके शहर में या कहीं भी कोई कार्ड नहीं लगाता ये, तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मेरे को DM कर सकते हैं, मैं आपका ये कार्ड लगवा सकता हूँ। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर ये कार्ड लग जाता है या इलेक्ट्रीशियन लगा देता है। और मैं आपको हूटर दिखा देता हूँ, ये देखिए नॉर्मल आहूजा का हूटर ही लगा हुआ है मेरी कार में ही, 25 वॉट का, मैंने इसे कटवा के लगा रखा है क्योंकि मेरी कार में लगाने की जगह नहीं थी, इसे पूरा का पूरा कटवा कर इसकी थोड़ी साउंड कम हो जाती है, पर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था लगवाने का। वही बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो लगभग 5000 रुपये का ये एम्पलीफायर पड़ता है आहूजा का ओरिजिनल विदाउट साउंड कार्ड। जी हाँ, आप इसे नया लेंगे उसके बाद आपको साउंड कार्ड लगवाना पड़ेगा, और लगभग
1700 रुपए का ये वाला हूटर पड़ता है 15 वोल्ट का। अगर आप 25 वोल्ट का लोगे तो वो इससे महंगा है, लेकिन 15 वोल्ट का ही काफी रहता है। लगभग 300-400 रुपए लगाने की इसमें लेबर लगती है, तो ये लगभग आपको 7000 रुपए का सेट पड़ जाता है विदाउट साउंड कार्ड। अगर आपको इसकी साउंड चेंज करवानी है, वैसी करवानी है जैसी मेरी है, तो आपको इसमें साउंड कार्ड लगवाना पड़ेगा। साउंड कार्ड कितने का लगेगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी बढ़ते हैं चौथे हूटर की तरफ। तो चौथा हूटर आता है भाई ये जो आपके सामने रखा है, ये बिल्कुल आहूजा के एम्पलीफायर की कॉपी है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। तो ये लोकल लेकिन भाई बिल्कुल ओरिजिनल जैसे ही है हर चीज़ में, आहूजा के एम्पलीफायर में और इस एम्पलीफायर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। साउंड भी बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ब्रांडिंग का डिफरेंस, वो ब्रांड का है आहूजा ब्रांड का, ये लोकल है। और दूसरा डिफरेंस है प्राइस डिफरेंस, ये आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा एम्पलीफायर, और आहूजा का मिलेगा आपको काफ़ी महंगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस एम्पलीफायर में कार्ड लगवाना चाहें तो भाई इस एम्पलीफायर में भी वो कार्ड लग जाता है। तो अगर आपको वो वाली साउंड चाहिए जो मेरी वाली साउंड है वो चाहिए आपको, और थोड़ा कम में चाहिए, तो भाई ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। इसकी साउंड बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आहूजा के एम्पलीफायर की तरह जो आपने पीछे वीडियो में सुनी है, इस वजह से मैं इसे चला के नहीं दिखा रहा। तो बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये एम्पलीफायर आपको 2000 से 2500 रुपये तक का पड़ जाएगा, और इसके साथ आप हूटर लगा सकते हैं आहूजा का ही जो 1700 रुपये का है। तो लगभग ये सेट आपको 4000 रुपये का पड़ जाता है लगाई समीत। और अगर आप इसमें कार्ड लगवाएंगे तो उसका खर्चा अलग होगा जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो भाई मार्केट में जितने हूटर आते हैं मैंने आज आपको सारे के सारे चेक करवा दिए, सबकी साउंड चेक करवा दिया, और सबके आपको बिल्कुल जेन्युइन प्राइस बता दिए हैं। इस प्राइस में आपको कहीं भी मिल जाएंगे, और अगर कहीं भी नहीं मिले तो आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं भी आपको इन प्राइस में हूटर दे सकता हूँ, मतलब मैं भी आपको भेज सकता हूँ अगर आप चाहें तो। मैंने आपको अपना हूटर और एम्पलीफायर भी दिखाया भाई, बिल्कुल वही वाला है आहूजा का जो सबके पास होता है नॉर्मली। और मैंने ये भी आपको अच्छे से समझा दिया है कि इसकी साउंड कैसे चेंज होती है। इसकी साउंड अगर आपको चेंज करवानी है, उस साउंड चेंज करवाने में जब मैंने करवाए थे तब तो मेरा 1500 रुपये का खर्चा आया था, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी था हूटर वाले में। लेकिन अब जो खर्चा आ रहा है भाई वो आ रहा है इसका 2000 रुपये का खर्चा, इसकी साउंड चेंज करवाने का, इसके अंदर कार्ड लगवाने का। तो अगर आपके शहर में ये साउंड चेंज होती है तो अच्छी बात है, आप वहाँ भी करवा सकते हैं। बाकी अगर आपके शहर में ये साउंड चेंज नहीं होती, इसमें कोई कार्ड नहीं लगाता, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके एम्पलीफायर में कार्ड लगवा के दे सकता हूँ, आप मेरे को DM कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये साउंड चेंजिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।